नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावर। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, यानी आज से ठीक 69 दिन बाद। लेकिन इंडिया गठबंधन की गाड़ी अभी तक पटरी पर नहीं आई है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के जो टॉप राज्य हैं, वहां अभी तक सीट बंटवारे या फिर प्रत्याशियों के चयन पर मामला उलझा हुआ है। जी हां, जिस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीट है, वहां समाजवादी पार्टी के भीतर प्रत्याशियों के चयन पर कलह दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस अभी तक अमेठी रायबरेली पर फैसला नहीं ले पाई है। इसी तरह महाराष्ट्र है, जहां के 48 सीटों पर पेंच बुरी तरह फंसा हुआ है। प्रकाश आंबेडकर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो उद्धव गुट की शिवसेना ने कांग्रेस को कई सीटों पर झटका दे दिया है। बिहार की 40 सीटों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच कई सीटों पर खींचतान अभी भी जारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 168 सीटें हैं। यहीं पर एनडीए सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। सवाल यह उठ रहा है कि जब सीटों को लेकर ही इंडिया गठबंधन में तालमेल नहीं हो पा रहा, तो एनडीए के सामने वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। आज इन्हीं 3 राज्यों की तस्वीर मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा और समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 22 मार्च तक समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक था। अखिलेश यादव धीरे धीरे प्रत्याशियों की घोषणा करते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही रामपुर का नंबर आया, अखिलेश यादव रुक गए। रामपुर के नाम पर रुकना उनकी सियासी मजबूरी भी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर यह सीट आजम खान के नाम से जानी जाती है। ऐसे में बिना आजम खान से बात किए अखिलेश कोई कदम नहीं उठाना चाहते। 22 मार्च को ही अखिलेश यादव सीतापुर जेल पहुंचे, आजम खान से मुलाकात की, लेकिन बात सुलझने की जगह कुछ हद तक उलझती चली गई। आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इसके अलावा आजम खान ने ही मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा का नाम आगे किया। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 22 मार्च तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था, जबकि पिछली बार एसटी हसन यहां से चुनाव जीते थे। माना गया कि आजम खान से बात करने के बाद ही अखिलेश यहां से प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जैसे ही 24 मार्च को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन को प्रत्याशी घोषित किया, मुरादाबाद से रामपुर तक विरोध के शोले उठने लगे। अब आगे देखिए, प्रत्याशी का ऐलान भले ही मुरादाबाद में हुआ, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की इकाई ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इसके पीछे थे आजम खान। फौरन आजम खान की जेल के अंदर से लिखी हुई एक चिट्ठी सार्वजनिक हो गई, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव से आग्रह किया कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान की 2 में से कोई बात नहीं मानी। ना तो उन्होंने रामपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और ना ही मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दिया। इसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष ने यह ऐलान कर दिया कि जिले की इकाई लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियां आई हैं, उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। देखिए, रामपुर में जब समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव बहिष्कार की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें असीम राजा भी बैठे हुए थे। असीम रजा आजम खान के बेहद करीबी हैं। कहा जाता है कि उनका हर फैसला आजम खान के इशारे पर होता है। आज जैसे ही समाजवादी पार्टी ने रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी घोषित किया, आजम खान का कुनबा फिर सक्रिय हुआ। कल तक चुनाव बहिष्कार की बात करने वाले असीम रजा आज खुद नामांकन भरने पहुंच गए। इसके अलावा आजम खान के एक और करीबी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया। आज रामपुर में दिन भर कैसे सियासी ड्रामा चलता रहा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रामपुर यानी पश्चिमी यूपी की वो लोकसभा सीट जिसकी पहचान एक वक्त में आजम खान से हुआ करती थी। चुनाव कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वही होता था जिस पर आजम खान का हाथ होता था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट से 2 चेहरे सामने आ गए हैं। एक तरफ है अखिलेश यादव के करीबी मौलाना
मोहिबुल्ला नदवी जो दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ है आसिम राजा जो आजम खान के बेहद करीबी हैं। इन दोनों ही नेताओं ने पर्चा भर दिया है और दोनों का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से जिसके लिए खत आया है, जिसके लिए बाजाबता फ्लाइट से लोग आए हैं, तो वो उनका उनको आशीर्वाद है, उनकी रजामंदी उनके लिए है। उन्होंने हमारी च्वाइस इसलिए की कि इमाम से सब जुड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरा है, अभी नामिनेशन का सारा काम प्रोसेस में है, प्रोसेस फाइनल नहीं है, प्रोसेस 30 तारीख को फाइनल होगा, फाइनल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। दैट्स ऑल। अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने इस वजह से गए थे ताकि बीच का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन आजम खान ने ऐसा दांव चल दिया कि अखिलेश यादव रामपुर में बुरी तरह फंस गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब सवाल है इसके आगे का रास्ता क्या है। इसका पहला रास्ता ये है कि अगर नामांकन पत्रों की जांच में किसी एक दावेदार के कागजों में कमी होती है तो वो अपने आप दावेदारी से बाहर हो जाएगा। दूसरा रास्ता ये है कि 30 मार्च तक पहले चरण के लिए नाम वापसी की तारीख है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी नाम वापस लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। फॉर्म बी के द्वारा ही पार्टी चुनाव आयोग को ये सूचना देती है कि अमुक व्यक्ति हमारा अधिकृत उम्मीदवार है। इस फॉर्म पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। रामपुर वो लोकसभा सीट है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जया प्रदा जीती थी, लेकिन 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह जीत गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान यहां से विजयी हुए, लेकिन उनके जेल जाने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के घनश्याम लोधी बाजी मार गए। बीजेपी ने इस बार फिर रामपुर से घनश्याम लोधी को ही उतारा है और अगर समाजवादी पार्टी में इसी तरह बिखराव रहा तो बीजेपी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हमेशा भाजपा का यहाँ कब्जा रहा है, हमारे सामने चुनाव लड़े, हम तो चाहते हैं फाइट रहे और लड़ने में आनंद आता है, और बगैर लड़े तो अगर कोई चीज मिल जाती तो आनंद नहीं आता। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के हाईकमान ने रामपुर की जिला इकाई को फटकार लगाई है, साथ ही ये भी कहा है कि वो किसी के दबाव में आकर काम ना करें। हालांकि फिर भी अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आजम खान के साथ उनके सियासी रिश्ते बिगड़े, क्योंकि आजम खान का सियासी असर सिर्फ रामपुर ही नहीं मुरादाबाद मंडल की कुछ और लोकसभा सीटों पर भी पड़ता है, जहां समाजवादी पार्टी पिछली बार लोकसभा चुनाव जीती थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। मुलायम सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते थे। 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुए तब भी अखिलेश यादव ने कई मौकों पर उनसे सलाह मशवरा किया। ऐसे में यह बात तो साफ है कि अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम समाज के वोटर ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट किया था। अब सवाल है कि अखिलेश आजम खान को कैसे मनाएंगे और ये मान मुनव्वल कैसे होगा। दरअसल रामपुर में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि समाजवादी पार्टी का फाइनल प्रत्याशी कौन होगा। मौलाना नदवी को अखिलेश यादव ने उस स्थिति में टिकट दिया था जब रामपुर की सपा इकाई ने चुनाव के बहिष्कार की बात कही थी और आजम खान ने भी कोई नाम सामने नहीं रखा था। अब अगर आजम खान के करीबी आसिम रजा मैदान में है तो अखिलेश यादव मौलाना नदवी को पीछे हटने के लिए कह सकते हैं, या फिर मुरादाबाद में आजम खान की बात मानने की दलील भी दे सकते हैं। दरअसल मुरादाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काट दिया और यहां से रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया है। रुचि वीरा को आजम खान के ही गुट का माना जाता है और आजम ने ही अखिलेश यादव से रुचि वीरा को टिकट देने की बात कही थी। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से भले ही एसटी हसन का टिकट काट दिया, लेकिन उनके लिए अखिलेश के पास एक दूसरा प्लान भी था। अखिलेश चाहते थे कि एसटी हसन इस बार का लोकसभा चुनाव रामपुर से लड़े, लेकिन इसके लिए एसटी हसन राजी नहीं हुए। अब एसटी हसन कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे लेकिन मुरादाबाद में रुचि वीरा का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट।
आजम खान रहने वाले भले ही रामपुर के हैं, लेकिन उनकी कही गई बातों का असर मुरादाबाद तक होता है, ये उन्होंने एक बार फिर बता दिया। 24 मार्च को समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन के नाम का पर्चा रिलीज किया था। 26 मार्च को एसटी हसन खुशी खुशी नामांकन करने भी पहुंच गए, साथ में कई विधायक भी लेकर गए, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कहानी पलट गई। सीतापुर की जेल से आजम खान ने पावर दिखाई और अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा का नाम आगे कर दिया। इस फैसले से एसटी हसन के समर्थक नाराज हुए, रुचि वीरा का पुतला फूंका, नारेबाजी की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। रुचि वीरा ने जोश के साथ नामांकन भरा, अपनी दावेदारी के पीछे अखिलेश का विश्वास और आजम का आशीर्वाद बताया। मैं पर्चा भर के आई हूँ, बाकी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं। ये तो जब सिंबल मिलेगा भाई, ये तो उस वक्त क्लियर हो जाएगी बात। मैं अपना भर के आई हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह रही, मेरे भाई हैं, वो भी भाई यहाँ वर्तमान पिछले समय में यहाँ सांसद रहे हैं। इधर रुचि वीरा ने नामांकन भरा, उधर एसटी हसन और उनके परिवार के लोग इस इंतजार में थे कि कब लखनऊ से चार्टर्ड प्लेन मुरादाबाद आएगा, उस प्लेन में अखिलेश यादव का संदेश वाहक आएगा और एसटी हसन के नाम का संशोधित लेटर देकर जाएगा। नामांकन कराने गए थे, जब तक तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, जब नामांकन बाहर करा के निकल गया तो ये पता चला कि ऐसा हो गया। उनका कैंसिलेशन है, लेटर ला रहे हैं रुचि वीरा जी का और डॉक्टर साहब के लिए वो सिंबल लेकर आ गए। देखते देखते 3 बज गए, ना तो लखनऊ से कोई चार्टर्ड प्लेन आया, ना ही कोई संदेश वाहक, नामांकन का वक्त भी खत्म हो गया और रुचि वीरा सपा की अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो गई। पार्टी के इस फैसले से एसटी हसन बहुत नाराज है, खुद के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, कहते हैं प्रदेश के हर हिस्से में प्रचार करूंगा लेकिन मुरादाबाद की प्रत्याशी के लिए पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा। जाहिर है जो कुछ मैंने आपको बताया उसमें आपने खुद ही लफ्ज कह दिया साजिश। किसकी साजिश लग रही है? नीचे के नेताओं की, नीचे वाले नेताओं की। इसमें अखिलेश यादव जी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नीचे वाले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को कैप्चर कर रखा है। मुरादाबाद वो लोकसभा सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। अब समाजवादी पार्टी ने यहां से गैर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है तो ओवैसी की पार्टी मुस्लिम चेहरा लेकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव और बीजेपी ने मुरादाबाद की जनता के साथ खेला है, खास तौर से मुसलमानों के साथ खेला है, उनको जो धोखा दिया है उसका जवाब जनता देगी। 2004 के बाद सीधे 2019 में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, वो भी तब जब बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ था। इस बार हालात बदले बदले हैं, बीएसपी और ओवैसी की पार्टी ने मुरादाबाद में मुस्लिम चेहरा उतारकर समाजवादी पार्टी की चुनौती बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी की परेशानी सुलझने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शाम को चार्टर्ड प्लेन से मुरादाबाद पहुंच गए। उनके साथ सपा के कानूनी सलाहकार देवेंद्र उपाध्याय भी थे। माना जा रहा है कि बहुत जल्द रामपुर को लेकर भी सुलह का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन परेशानी सिर्फ 2 सीटों की नहीं है। पश्चिमी यूपी की एक और लोकसभा सीट जहां समाजवादी पार्टी असमंजस में फंसी है, ये सीट है मेरठ। मुझे पता चला है कि अखिलेश यादव यहां से उम्मीदवार बदल सकते हैं। मेरठ में अभी भी क्या स्थिति है वो आपको बताता हूं। देखिए, मेरठ पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट है। बीजेपी ने यहां से रामायण सीरियल के प्रभु राम यानी अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है जो दलित समाज से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील है। बीएसपी ने त्यागी समाज से आने वाले देवव्रत त्यागी को उतारकर मुकाबला रोचक यहां पर कर दिया है। अब देखिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट से प्रत्याशी घोषित किया उसी दिन समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई। भानु प्रताप सिंह ऐसा नाम थे जिसे मेरठ के अधिकतर लोग जानते ही नहीं थे। पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हुआ और अब स्थिति यह आ गई है कि सीट से प्रत्याशी बदलने पर भी विचार हो रहा है। दरअसल बुलंदशहर के रहने वाले भानु प्रताप सिंह का कोई जनाधार नहीं है। पार्टी के नेता बाहरी बताकर भी भानु प्रताप सिंह का विरोध कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के संस्थापक है, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। 2017 में इन्होंने बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब 1500 से भी कम वोट इन्हें मिले थे जो नोटा से सिर्फ 186 वोट ज्यादा थे। इस चुनाव में इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी।
आज अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में टॉप लीडर्स के साथ बैठक की। मेरठ सीट पर किसी दूसरे प्रत्याशी को लेकर भी मंथन हुआ। दरअसल यहां से पार्टी के कई विधायक चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव किसके नाम पर मुहर लगाते हैं यह बहुत जल्द ही तय हो जाएगा। यह तो बात हुई समाजवादी पार्टी की। देखिए अब बात करते हैं बीजेपी की। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां इंडिया गठबंधन में सीट का पेच तो पहले से फंसा हुआ था, अब रिश्तों की डोर टूटने का खतरा दिखाई देने लगा है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष वहां जिस महाविकास अघाड़ी के बैनर तले एकजुट हुआ, उसके वजूद पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसे यूं समझिए, देखिए महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता उद्धव ठाकरे की शिवसेना का खुलेआम हमला कर रहे हैं, कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। इनमें संजय निरुपम और जिशान सिद्दीकी जैसे नेता भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर हैं। किसानों से जुड़े स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी महाविकास अघाड़ी से अलग हो चुके हैं और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मान मुलव्वल की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी में गहरी दरार दिखाई दे रही है। उसकी वजह यही है कि गठबंधन के बड़े नेता सीट शेयरिंग का मसला सुलझाने में नाकाम रहे और शिवसेना ने उम्मीदवारों का ऐलान एक तरफा शुरू कर दिया। इसमें से कई सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस भी दावा कर रही थी। अब हालात ये है कि दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मुंबई मध्ये 6 पैकी 5 सीट शिवसेना, आम्ही फक्त 1 सीट, म्हणजे आता कांग्रेस पक्षाला दफन करण्याचा एक कार्यक्रम शिवसेना तर्फे चालू आहे की आमचा जो नेतृत्व आहे, शीर्ष नेतृत्व आहे, नेते मंडळी आहेत, ज्यांनी शिवसेना बरोबर जागा वाटप बाबत चर्चा केली, त्यांनी पूर्णतया सरेंडर केलेला आहे शिवसेना समोर, आणि याचा नुकसान आम्हाला कांग्रेस पक्षाला खूप होईल। संजय निरुपम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपने शीर्ष नेतृत्व को अल्टीमेटम दे रहे हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस का शोक संदेश लिखे जाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवसेना के नेता अरविंद सावंत हैं, जो साफ कह रहे हैं कि जिन सीटों पर उनकी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए, उन पर अब कोई विचार नहीं हो सकता है। वो नहीं, मुझे नहीं मालूम, आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया खसम बात, तो वो भाई उनको जो उनके पार्टी में ऐसा थोड़ी फ्रीडम है कहीं नहीं, तो उससे क्या मतलब है। कल पार्टी के सारे नेतागण इकट्ठा के बोल दिए, जुटेगा भारत जीतेगा इंडिया। दरअसल महाराष्ट्र के 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही शिवसेना ने आज 17 सीटों पर उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर दिया। इनमें मुंबई की 6 में से 5 सीट भी शामिल है, जहां कांग्रेस अपने लिए कम से कम 3 सीट मांग रही थी। इसके अलावा शिवसेना की लिस्ट में 3 और भी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन शिवसेना उसकी सुनने को तैयार नहीं है। ये बात कांग्रेस को बुरी तरह से चुभ रही है। जिन सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच विवाद है, वो सीट कौन कौन सी है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए पहले नंबर पर मुंबई साउथ सेंट्रल, जहां से शिवसेना ने अनिल देसाई को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस यहां अपने प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी इसी लोकसभा सीट में है, जहां कांग्रेस मजबूत है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी यहीं पर किया था। दूसरी सीट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट, जहां से शिवसेना ने अमोल कार्तिकर को टिकट दे दिया। यहां से कांग्रेस नेता संजय निरुपम खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरी सीट है सांगली, जहां शिवसेना ने चंद्रहार पाटिल को टिकट दिया है। कांग्रेस यहां से पूर्व सीएम बसंत राव पाटिल के पोते विशाल पाटिल को उतारना चाहती है। सांगली कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, इसलिए सीट को लेकर कांग्रेस काफी संजीदा है। लिहाजा शिवसेना ने उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान किया तो कांग्रेस के खेमे में भी हलचल होने लगी। इस सीट पर दावा कर रहे विशाल पाटिल ने दिल्ली आकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की। इस मीटिंग के बाद उन्होंने बड़ी बात कही है। कांग्रेस की सांगली का जो सीट है निश्चित लड़ेगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। ये जगह गठबंधन में छोड़ी नहीं गई हुई, तो हमें विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये जो झगड़ा है या वाद है वो निपटेगा और सांगली से कांग्रेस का ही उम्मीदवार, जो विश्वजीत कदम कहेंगे, उन्होंने मेरा नाम आगे किया, वही लड़ेगा। हालांकि उद्धव की शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि वो लिस्ट पर कोई पुनर्विचार नहीं करेगी।
महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को उसकी ये जिद अपमानजनक लग रही है। वो शिवसेना पर कांग्रेस की कब्र खोदने का आरोप लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हमने अगर कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया तो नॉर्थ सेंट्रल पे भी वो अनाउंस कर ले, और हमारे लीडर्स कुछ कहेंगे भी नहीं। हमारे घर बचाने से ज्यादा उनको अलायंस बचाने की ज्यादा पड़ी है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ता नाराज है, अलायंस से नाराज है, और मैं पहले भी कहा हूं कि हमारा असली दुश्मन शिवसेना यूबीटी ही है, बीजेपी तो बाद का दुश्मन है। वो उनकी दादागिरी करते रहेगी और हम कुछ कहेंगे नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिशान सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस का पॉपुलर फेस है, यंग जनरेशन के नेता है, कांग्रेस के यूथ वोटर्स पर उनकी अच्छी पकड़ है। वो एमवीए को अप्राकृतिक गठबंधन बता रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के सारे बड़े नेता इस मसले पर खामोश हैं। उनकी यह खामोशी गठबंधन बचाए रखने की मजबूरी का परिणाम है या तूफान से पहले का सन्नाटा है। नतीजे तक पहुंचने के लिए अभी इंतजार करना होगा। बात करते हैं 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार की। यहां बीजेपी और जेडीयू ने सीट बंटवारा भी कर लिया है, और प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए चुनावी मैदान में भी उतार आए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की गाड़ी अभी तक सीट बंटवारे के जंक्शन पर खड़ी है। कल से आज तक 24 घंटे में न जाने कितनी बैठकें हुई, लेकिन फाइनल बात अभी भी नहीं बन पाई है। सबसे ज्यादा दिक्कत पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर है, जहां आरजेडी की तरफ से बीमा भारती अपना टिकट पक्का समझ रही है, तो पप्पू यादव कांग्रेस के अभी से ही उम्मीदवार बनकर बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। बिल्कुल, पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है, और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। आज दिल्ली में जब मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई तो बताया गया कि सब कुछ ठीक है, बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक पता चला है तो बीमा भारती ही पूर्णिया से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी होंगी। वो 3 अप्रैल को नामांकन भी कर सकती हैं। कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 6 सीटों के लिए पार्टी ने नाम तय कर लिए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी का नाम तय हुआ है महाराजगंज से, और गाजियाबाद से डॉली शर्मा के नाम पर मुहर लगी है, प्रवक्ता भी है कांग्रेस की। प्रयागराज से रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह का नाम तय हुआ है। सीतापुर से नकुल दुबे का नाम तय हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची, 6 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश से, सीतापुर से नकुल दुबे का नाम तय किया है कांग्रेस ने, और ये तमाम बड़े नाम आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद से डॉली शर्मा है, 6 नाम है, और प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह का नाम तय हुआ है, और महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी का नाम तय किया गया है। देखिए, इससे पहले कांग्रेस यूपी की 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, अब 6 और नाम भी तय हो गए हैं। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस हिसाब से देखें तो अब सिर्फ अमेठी और रायबरेली ही सीट बची है जहां कांग्रेस को नाम तय करने हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। मैं आंखें बंद करके देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद केजरीवाल जी नजर आ जाए। अभी तो भाभी जी कह रही थी कि आप आंखें बंद करके देखेंगे तो केजरीवाल जी नजर आ जाएंगे, बट भाभी जी मुझे तो केजरीवाल जी नजर आएंगे।
इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। देखिए 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पहली बार देश का कोई मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है। सबके मन में सिर्फ एक सवाल है कि दिल्ली को कौन चढ़ाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर बहुत चर्चा में है। वो तस्वीर है केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की, जो बिल्कुल अपने पति के अंदाज में जनता को उनका संदेश सुनाने बार बार नजर आ रही हैं। सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी सुनीता दिल्ली की सीएम बन सकती है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। बिल्कुल वही अंदाज, वही जगह, जनता से संवाद का वही तरीका और शब्द भी करीब करीब वैसे ही जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया करते थे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला, एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। खास इस बात का ख्याल रखा गया है कि जब सुनीता केजरीवाल बात करने आए तो जनता को बार बार अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का एहसास कराएं। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता दो बार दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश देने सामने आ चुकी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों के पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम तो, बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल करीब करीब हर रोज शाम 7 से रात 8 बजे के बीच अपने पति से मुलाकात करने ईडी दफ्तर जाती है। सुनीता अपने साथ केजरीवाल के लिए घर का खाना और दवाइयों जैसे जरूरत का सामान साथ ले जाती है। पत्नी सुनीता और अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को मुलाकात की इजाजत कोर्ट से मिली हुई है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल से ईडी दफ्तर में मिलने के लिए सिर्फ उनकी पत्नी जाती हैं। ऐसे में पार्टी और तमाम नेताओं की केजरीवाल से संवाद का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है सुनीता केजरीवाल। वो केजरीवाल को बाहर का हाल बताती हैं और केजरीवाल के निर्देश मंत्रियों को देती हैं। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर
दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सुनीता केजरीवाल कभी भी इस तरह से सियासी फ्रंट पर नहीं दिखाई दी थी। माना जा रहा है कि अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती तो सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ेगी और वो राजनीतिक रूप से और ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगी। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या सुनीता ही अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विरासत को संभालेंगी, क्या इमोशनल च्वाइस के तौर पर सुनीता ही सीएम पद की दावेदार होंगी, क्या आम आदमी पार्टी की कमान भी सुनीता केजरीवाल के हाथ में आ जाएगी। सोशल मीडिया पर इस तरह के कयासों का बाजार गर्म है और दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद राबड़ी देवी का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर राज्य की कमान संभाली थी, ठीक उसी तरह केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इन कयासों को हवा मिल रही है सुनीता केजरीवाल की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी बढ़ी हुई सक्रियता से। सुनीता सिर्फ भावुक संदेश देने सामने नहीं आ रही, बल्कि शराब घोटाले मामले में वो बीजेपी पर अटैक करने से लेकर बड़े खुलासों का दावा भी कर रही है। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। लोकसभा चुनाव सिर पर है और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। केजरीवाल को रिहा करो। सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज जो विधायक विधानसभा पहुंचे हैं वो देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टी शर्ट पहन के आए हैं जिसमें लिखा हुआ है मैं भी केजरीवाल, और सदन से पहले ही ये तमाम विधायक टी शर्ट पहनकर इस वक्त गांधी प्रतिमा के ठीक नीचे बैठ गए हैं। आम आदमी पार्टी भी जानती है कि उनका सबसे बड़ा चेहरा केजरीवाल है और उनकी पार्टी की पहचान ईमानदारी की रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके हीरो पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और ये पार्टी पर बहुत बड़ी चोट है। ऐसे में क्या सुनीता वो चेहरा बन सकती है जो आम आदमी पार्टी को इस बीच चुनावी समर में होने वाले नुकसान से बचा सके? सुनीता केजरीवाल एक पूर्व IRS अफसर है। 1993 बैच की IRS अधिकारी रही सुनीता ने 22 साल तक सरकारी नौकरी की है। 2016 में सुनीता केजरीवाल ने BRS ले लिया था। यानी केजरीवाल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से सुनीता घर संभाल रही है। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती। दोस्तों जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूँ वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी में सुनीता केजरीवाल के पास कोई औपचारिक पद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि पर्दे के पीछे रहकर वो पार्टी के कई अहम कामकाज का हिस्सा बनती है। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की और मेरे परिवार ने, उन्होंने भी खूब लग के मेहनत की, उन्होंने खूब सपोर्ट किया। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन भी है। बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल।
दिल्ली में भले ही सुनीता कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय न दिखाई दी हो, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में सुनीता ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था। आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। भगवंत मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे, पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। वो 8 साल से संगरूर से सांसद हैं और आप पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं जब से। और अब पंजाब में वोट मांगने के बाद सुनीता सीधे अपने पति की कमी को पूरा करने के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सिर्फ एक ही बात कह रही है कि सरकार अंदर से चले या फिर बाहर से, लेकिन चलाएंगे केजरीवाल ही। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, सभी विधायकों का पहले भी लक्ष्य था और आज भी वही लक्ष्य है। इसीलिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल बाहर थे तो बाहर से काम कर रहे थे, और आज जेल के अंदर हैं तो जेल के अंदर से काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद कल भी था दिल्ली के लोगों के लिए काम करना, आज भी एक ही मकसद है दिल्ली के लोगों के लिए काम करना। केजरीवाल को जब ईडी के समन मिलने शुरू हुए थे तो वो बार बार कह रहे थे कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और पार्षदों के साथ अलग अलग बैठकें की थी, और इस बैठक में कुछ विधायकों और पार्षदों ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो फिर उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ले लेनी चाहिए, जिस पर बाकी विधायक और पार्षदों ने अपनी सहमति भी जताई थी। यानी केजरीवाल ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि अगर वो जेल जाते हैं और सुनीता केजरीवाल सामने आती है तो विधायकों में किसी तरह की कोई टूट ना हो और सरकार और पार्टी आराम से चलती रहे। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल की 2 बार हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल के उसी प्लान का हिस्सा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इसके पीछे 2 तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है। पहली, लोगों के बीच केजरीवाल को लेकर हमदर्दी पैदा करना। दूसरी, अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहे तो उनकी जगह सुनीता केजरीवाल को पार्टी में स्थापित किया जा सके, ताकि आगे चलकर वो बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो सके। हालांकि बीजेपी सुनीता केजरीवाल के सामने आने पर हमले और तेज कर चुकी है। आपने ये कहा कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या हो गई है, देखो दिल्ली के अंदर जाके कि कोई पानी की समस्या ना हो। आप जिस दिल्ली के मॉडल को, जिस केजरीवाल मॉडल को पूरे देश में बेचते थे, आपने पिछले 2 दिन के अंदर उसको एक्सपोज कर दिया। आपके 2 दिन जेल में जाते ही पानी की भी कमी होगी और दवाइयों की भी कमी हो गई। 31 मार्च को दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक मेगा रैली की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि इस रैली में सुनीता केजरीवाल प्रमुख वक्ता के तौर पर बयान दे सकती है। केजरीवाल कई मौकों पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की तारीफ कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि कैसे संघर्ष के मौकों पर सुनीता उनकी ताकत बनकर साथ खड़ी रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब केजरीवाल दिल्ली में बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल के मुद्दे पर अनशन पर बैठ गए थे, और एक पत्नी डायबिटीज का मरीज होने के बावजूद पति के अनशन में उसका साथ देने के लिए हर वक्त मौजूद थी। सुनीता और अरविंद केजरीवाल की लव मैरिज हुई है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत IRS की ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। ट्रेनिंग के बाद 1995 में दोनों ने शादी कर ली थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। आज केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। कल ईडी की रिमांड खत्म हो रही है और देखने वाली बात यह होगी कि कल कोर्ट में क्या होता है। कल ईडी की हिरासत बढ़ेगी
जेल जाएंगे या फिर राहत मिलने का कोई रास्ता निकलेगा। केजरीवाल के लिए कल का दिन बड़ा है। मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।